कर लें। नॉर्मलिटी है जानवरों में, उसको ओएलडीए कहते हैं। तो आपको पिंग लाइट साउंड देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिद महमूद है। आज हम बेसिकली जिस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बेसिकली काविंग के बाद आता है और ये एक एबनॉर्मलिटी है जानवरों में, उसको ओएलडीए कहते हैं, लेफ्ट एबोमेजरल डिस्प्लेसमेंट या राइट एबोमेजरल डिस्प्लेसमेंट। इसकी अगर हम बेसिकली जाएं कॉजेज पे, तो कॉजेज में हम ये देख सकते हैं कि एक तो इसमें न्यूट्रिशन में क्या फॉल्ट हो सकता है। जब आप एनिमल को क्लोजअप में जो ड्राई मैटर है उसमें आप फाइबर का पोर्शन ऐड नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि आपका ह्यूमन जो एनिमल्स का वो इफ़ेक्टिव नहीं होता, वर्किंग यानी अच्छी नहीं होती उसकी। और जब एनिमल काविंग के बाद जाता है तो अल्टीमेट उसका फीड इनटेक कम होता है। तो जब आप वंडा या ग्रेन्स डालते हैं तो क्या होता है, उसके मेदे में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन यानी गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं और वो गैसेस एबोमेजम में जमा होती हैं और वो बलून लाइक जो है वो या लेफ्ट साइड पे निकल जाता है या राइट साइड पे निकल जाता है। तो 90% ये लेफ्ट साइड पे निकलता है और बाकी 10% ये राइट साइड पे निकलता है। अगर हम इसकी बात करें कि ये कितने परसेंट होता है, नॉर्मली ये 1-2% होता है, बट अगर आपकी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम रहें तो ये बढ़ भी सकता है। दूसरे हम इसकी रीज़न पे जाएं तो वो हो सकता है आपकी मैनेजमेंट। आप जब एनिमल काविंग के नज़दीक होता है तो अगर आप उसको स्टॉल्स में बिठाते हैं तो वो एनिमल खुला होकर नहीं बैठता, तो तब भी ये इशू हो सकता है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो ये मोस्टली एक्जॉटिक ब्रीड्स में होता है। और इसकी अगर हम मज़ीद एक रीज़न पे जाएं तो वो ये है कि जब आपका एनिमल जो है वो कटोसिस में जाएगा यानी वीक होएगा, तो फिर भी इसके इशू होते हैं। तो इसके जब हो जाता है केस, तो हमारे पास आज एक केस है, मैं आपको एलैबोरेट करता हूँ कि आपने उसको चेक कैसे करना है बेसिकली। तो बेसिकली जब ये एलडीए का मसला हो जाता है एनिमल में, तो होता क्या, आपको साइंस क्या मिलते हैं, ये मोस्टली काविंग के बाद होता है। जानवर जो है काविंग के बाद आपका जो है वो फीड इनटेक उसका कम हो जाता है, एनिमल खाना पीना थोड़ा कर देता है, और साथ उसके क्या करता है कि जब खाना पीना कम करेगा साथ दूध भी दे रहा होगा, तो वो दिन ब दिन वीक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक जो बहुत टिपिकल इसका साइन है वो ये है कि एनिमल को डायरिया लग जाता है। तो दूसरे नंबर पे ये भी अगर देखें तो आप एनिमल डायरिया की वजह से जो टेल है वो अपनी लिफ्ट कर लेता है। तो ये हमारे पास एक केस आया, इसके अब डेज इन मिल्क जो हैं वो तकरीबन 8 हैं, 8 दिन पहले इसने काविंग की है। तो इसको अब चेक करने का जो तरीका है उसमें ये है कि आप स्टेथोस्कोप से इसकी रिब्स में इंटरकोस्टल स्पेस से चेक करते हैं, तो आपको पिंग लाइक साउंड जो है वो सुनाई देती है। तो ये जो आपने चेक करना है, आप हम इसको बेसिकली एलडीए है, तो ये इसकी फ्लैंक है और ये इसकी स्मॉल रिब है। तो आपने इंटरकोस्टल स्पेस में स्टेथोस्कोप लगा के इसको स्ट्राइक करना है, तो आपको पिंग लाइक साउंड देती है। तो ये आपने पूरी चेक करनी है सारी जगह से, तो ये क्लियरली इसमें पिंग साउंड आ रही है। तो जब आपने केस की डायग्नोसिस कर ली है, तो इसके दो ही तरीके होते हैं ट्रीटमेंट करने के। तो एक प्रोसीजर ओमेंटोपैक्सी, ओमेंटोपैक्सी में क्या करते हैं कि एनिमल को राइट साइड से ओपन करते हैं फ्लैंक से, और आप जो है थ्रो आईवी सेट उसके थ्रो गैसेस रिमूव करते हैं एबोमेजम से, और देन आप उसके पाइलोरिक एंड को पकड़ के उसकी फ्लैंक के साथ लेफ्ट राइट फ्लैंक के साथ सुचर कर देते हैं, जिससे और केस जो है वो सॉल्व हो जाता है। सेकंड पे हम जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं उसको हम टॉगल मेथड कहते हैं। तो टॉगल मेथड ही आज हम करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह ऑपरेट करते हैं। जी, अब हमने एनिमल को लिटा लिया, अब हम बेसिकली इसके जो जीफाइड कार्टिलेज, ये जीफाइड कार्टिलेज है, इसके हम 4-6 इंच जो है नीचे इसकी शेविंग करेंगे, ताकि सूचर जो है वो हेयर के साथ थोड़ा मेरे लिए कुछ करोगे।
आपने इसको वॉशिंग कर लिया है इसके डिसइंफेक्टेंट करके, अब इसका एल्गोमिज्म जो है बेसिकली नॉर्मल पोजीशन इसकी होती है ज़ीफाइट कार्टिलेज से 4 से 6 इंच पे। तो अब हम यहाँ से प्रेशर डाल के इसको फिक्स किया है और अब हम इसमें जो है टॉगल लगाएंगे। कर लें।